एक बार बहुत साल पहले 2011 में, और मैं मतलब कम लोगों को बताता हूँ, एक बार जैसे मेरे को जो ऋषिकेश की तरफ जो चीज़ बार बार खींच के लाती है ना, 2011 में कुछ लोगों के संग आया था। मतलब आप मेरे को बताना आपके हिसाब से क्या हुआ था। तो जहाँ पे राफ्टिंग ख़त्म होती है ना, हम वहाँ पे पहुँचे थे सुबह 4 साढ़े 4 का टाइम था। और तो जो लोग मेरे संग आए थे वो तो अपने घर एंजॉय कर रहे थे, और मेरे को पता नहीं क्यों मैंने ना ऐसे ऊपर देखा। तो पहली बार जिंदगी में मेरे को, मैं 22-21 साल का था, तो पहली बार मेरे को जिंदगी में ना बहुत छोटे होने का एहसास हुआ कि मैं बहुत छोटा हूँ। और फिर ना मेरे को मेरी छाती में और मेरे पेट में बहुत गर्मी लगी एकदम से, और फिर मेरे को एक फैलाव का एहसास हुआ। और ये कुछ सेकंड के लिए हुआ, लेकिन वो चीज़ ना दोबारा कभी महसूस नहीं मेरे को। बार हाँ बार जो मैं ऋषि के जाता हूँ वो सिर्फ वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आता हूँ, पर हाँ कभी हाँ दोबारा हुई नहीं। हाँ हाँ क्या हाँ हुआ आपके हिसाब से ये? ये ऐसे होता है ना, हम किसी जगह पर होते हैं समझो, उस समय पर, उस समय एनर्जी का कुछ स्पेशल एनर्जी का फ्लो हो अच्छा, वो एक ना। कनेक्शन टाइप का हो हाँ जाता हाँ है। हाँ वो हमको, हम अफेक्ट कर जाता है वो हमको, हमसे हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हम उसकी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बार बार दोबारा हाँ होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। ये बाय द वे हो जाए दोबारा, हाँ तो बड़े लकी हो फिर आप, हाँ लकी है, लेकिन हम उसको उसको फोर्स नहीं ये कर हम सकते। फोर्स नहीं कर सकते, या हम उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे होगा दोबारा। इट्स नॉट श्योर, जो एक्सपीरियंस आपको एक बार हो गया वो वैसा एक्सपीरियंस कभी दोबारा नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, ये वन टाइम एक्सपीरियंस होता और हो तो मतलब वही कनेक्शन टाइप का है। होता है हाँ वो। हाँ 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 कहीं ना कहीं जो है आपको कुछ लगा, अगर ऐसा हो रहा है हाँ आपको, हाँ तो उस समय आपकी क्या फीलिंग्स रही, क्या रहा किस हिसाब से ना, तो उस समय उस टाइप की कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके साथ में थी। अच्छा, हाँ ऐसा कुछ बात रही, कुछ आपके विचार भी इसी टाइप के रहे। हो सकता है। हाँ, उसके बाद से जो मेरे को एक चीज जो समझ में आई ना, एक बड़ा वैरागीपन एक अंदर आया मेरे, आया क्योंकि मेरे को ना घूमने की बहुत आदत पड़ गई उसके बाद, बस निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ टाइप वो, पता नहीं। उसके बाद ही मेरे को, जब मैं सोचता हूँ अब इस उम्र पे आके कि कैसे दिमाग इस तरीके से बना, तो हाँ वो समय मेरे को याद आता है कि शायद उसके हाँ बाद से कुछ हुआ हाँ है हाँ हाँ बिल्कुल अंदर का बिल्कुल बिल्कुल बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो विचार आना आपके अंदर में कि मैं एक छोटा हाँ हूँ, हाँ बहुत छोटा। बहुत हाँ, छोटा हूँ, मेरा कोई महत्व ही तो नहीं है वो अंदर। कोई कोई एनर्जी ने आपको कोई एहसास कराने की कोशिश करी, आपको आपको रियलाइज कराने की कोशिश ना कि भाई नहीं आप छोटे नहीं हो, आप बड़े हो, एक सिर्फ एक्सपेंशन भी। अपने हाँ एक्सपेंड अपने आप को एक्सपेंड करो, हाँ तब आपने यात्रा करनी चालू करी। करिए। हाँ ठीक है ना, अपने आप को, क्योंकि जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां तक आप ऑलरेडी हैं, वहां वहां तक आपका ऑलरेडी कनेक्शन है। तो जैसे 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 आप बढ़ते चले जाएंगे, आपको मालूम चलेगा कि हाँ मैं वास्तव में कितना वास्ट हूँ। बास्ट हूँ। फिर जब ये करते करते आप सब घूम लोगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप सेंटर में, फिर आप स्थिर हो जाओगे, फिर अच्छा आप सेंटर में आओगे। हाँ अच्छा अभी अभी टाइम है अभी उसमें। टाइम है, फिर चीजें आपके, अभी आप चीज़ों के साथ में स्पिन हो रहे हैं, फिर चीज़ें आपके साथ में स्पिन हो, आपके अराउंड स्पिन होंगी। साधु बनने का मतलब यही है अगर देखा जाए तो। हाँ ऐसा है, अभी आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उसके साथ में आप अपने सेंटर से अलग हैं, फिर जब सेंटर में आ जाएंगे तो चीज़ें आपके, फिर आप चूज़ कर सकते हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। दैट कॉल द टोटल फ्रीडम, द अल्टीमेट फ्रीडम। अभी आप भाग रहे हैं, अभी चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं, अभी आप उसमें हैं। फिर आप जब सेंटर में हो जाएंगे तो आप इसको रोकना चाहें यहाँ रोक सकते हैं, यहाँ रोकना चाहें यहाँ रोक सकते हैं, और उनको मुंह में रख सकते हैं। ऐसा है, परेशानी इसलिए है क्योंकि हम एक सर्कुलेट हुए जा रहे हैं, लगातार घूमे जा रहे हैं, लगातार अब उसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीटेशन में हैं हम, रुके हुए नहीं हैं, माइंड हमको रिपीट करवाया जा रहा है, भगाया जा रहा है इधर से उधर, ये भी कर लो ये ये भी भी कर कर लो। लो ये भी कर लो, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। फिर जब हम सेंटर में हो जाएंगे, फिर हम चीज़ें हमारे, जब हम इच्छा होगी ये कर लिया, इच्छा होगी ये कर लिया, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मोमेंट है ये करने का, ये कर लेंगे, वो करने का वो कर लेंगे, कर सब कुछ लेंगे। और वो आप शहर में लेके भी कर सकते हो, हाँ कहीं भी रह के कर कहीं लो। भी रह के कर सकते हो, लेकिन जब तक हम चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, ठीक है ना, और भागना ज़रूरी पड़ेगा। बना रिलाइज कर सेंटर सको को वहाँ हाँ पॉइंट। सेंटर को एक्सपीरियंस करने के लिए भागना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं भागोगे तब तक कैसे समझोगे कि यार भाग रहा हूँ मैं, तब तक कैसे सेंटर में आने की उम्मीद करोगे, तब तक सेंटर में आने की इच्छा कैसे आपके अंदर में आएगी। जब बहुत सारी भटकन होगी तभी स्थिर होने की कोशिश करोगे, करोगे। हाँ, जब भाग भाग के थक जाते हैं तब हम रुकते हैं ना। हाँ
तो जो है जब हम भाग भाग करके थक जाएंगे फिर सेंटर में आएंगे। अभी तो आपको देखना है कहाँ कहाँ कैसे 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 ना एक्सपेंड हो रहे हैं आप धीरे 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 धीरे। फिर जब आपने आप अपने एक्सपेंशन को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा है, इसको कहाँ से समझूँ कैसे समझूँ, तो आप सेंटर की तरफ लौटेंगे। फिर सेंटर के सामने फिर सब चीज़ें आपके अराउंड स्पिन होंगी, फिर पर आप सब उसके लिए चीज़ों भागना का जरूरी है अभी। हाँ फिर आप उसमें डिसाइड करेंगे, फिर आपका फ्रीडम होगा ये चूज़ करने का, समझो कि ये करूँ नहीं नहीं करूँ, तो अब आप समझ जाएंगे करूँगा भी ठीक है तो नहीं करूँगा भी तब ठीक भी है ठीक है। ये है। लेकिन ये भी आपका टाइम है, ये करना ही पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है। हाँ ये करना ही पड़ेगा अभी आपको। अच्छा हाँ जब ये टाइम इसका टाइम आ जाएगा अपने आप ही आप अपने आप ही स्थिर हो जाओगे, माइंड अपने आप ही, दिमाग अपने आप ही, बॉडी आत्मा अपने आप इस ही जगह बोल जाएगी पहुंच उनका जाएगा। नहीं हो गया काफ़ी इनफ बैठ जाओ। और जब जिस दिन आप बैठ जाएंगे सेंटर में हो जाएंगे स्थिर हो फिर जाएंगे सब कुछ चारों तरफ स्पिन सब चारों तरफ करेगा। आपके घूमना चालू कर देगा। अभी आप जो है क्योंकि दौड़ में हो तो आप किसी भी चीज़ का को सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हो, कर बहुत कुछ रहे हो लेकिन वो कोई वो आपको सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रहा है, कोई वो आपको इतना प्रॉपर जो आप चाह रहे थे वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि दौड़ में तो कुछ नहीं होगा ना, दौड़ में तो आपके पास में कैफी कॉफी कॉफ़ी हो वो भी बेकार लगेगी, समझे हाँ ना, ब्रांडेड क्लॉथ पहन रखे होंगे वो भी बेकार है, किसी यूज़ के नहीं है क्योंकि लगेगा। दौड़ में हो ना आप। और जब आप स्थिर होंगे बैठे होंगे मन की दौड़ शांत होगी तब सब जो भी है आपके पास में आप सेलिब्रेट करेंगे उसको। और इसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हो? मेरे को ही नहीं बाकी लोगों को भी स्थिर होने के रिकमेंड लिए रिकमेंड कुछ नहीं, अपने आप होता है आदमी हाँ अपने आप स्थिर हो जाएगा, फ्लो के संग में चलते रहो। को। अच्छा हाँ फ्लो के संग में अपना ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ ना कि रिजेक्शन मत करो किसी चीज़ का कि ये रिजेक्ट ये बेकार है, ये हमारा अभी का ओपिनियन है, हाँ बाद में वो चीज़ बढ़िया हो बढ़िया जाएगी, हो जाएगी। वेट करो टाइम लो ना, धीरे अभी धीरे टाइम पकने में इतना टाइम लेगा और रोटी पकने में इतना टाइम लेगा, हर चीज़ का अपना टाइम है। तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सेलिब्रेशन जो टाइप की ये चीज़ें होती हैं जो ये अलग ये अपना टाइम लेती हैं, पहले तो आपको उस उन सब चीज़ों के बीच में घूमना पड़ेगा ना, घूमना वो सब पड़ेगा। देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा लोग ना क्या कैसे कैसे, उसके बाद में फिर ये चीज़ें होती हैं। अनटिल देयर इज नो सेलिब्रेशन, भाग दौड़ी कर रहे हैं तो फिर सेलिब्रेशन नहीं होगा नहीं ना, होगी ऐसा बस, है ये स्थिर हो जाना पड़ेगा, और वो अपने आप होगा। वो अपने आप होगा। ठीक है। हाँ क्योंकि माइंड माइंड तो माइंडिंग तो होता ही रहेगा ठीक है ना, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो यहाँ तक जाएगा फिर वापस लौट आएगा। साइकिल साइकिल एक आएगा। हाँ ऐसा वो वहाँ तक जाएगा फिर लौट आएगा, तो अभी अभी माइंड हमको लीड कर रहा है, तो जब तक माइंड लीड करता रहेगा हम स्थिर हो ही नहीं पाएंगे। जब हम माइंड को लीड कर रहे होंगे तब स्थिर। तब स्थिर हो पाएंगे। अभी हमारे मन के अंदर में मैं बता रहा हूँ हम रिसीवर हैं, कोई भी विचार आ जाता है हम वही करने लगते करने हैं, लगते हैं 10 लोग कर रहे हैं मैं भी बढ़िया लोग कर करता रहे हैं ऐसा हुआ ये है वो है, तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हूँ। हम वही चीज़ करने लगते हैं, हाँ माइंड हम उसी चीज़ का विचार करने, करने माइंड क्या लगते है माइंड सोचना विचारना, किसी बारे में सोचना विचारना ये दैट्स द डेफिनेशन ऑफ माइंड, तो हम उसी बारे में सोचने लगते हैं यार ये अच्छा है क्योंकि 10 लोग कर रहे हैं यार ये ऐसा कर रहे हैं ये है मैं भी वो यही है कर लूँगा। मैं भी ये कर लूँ, फिर जब जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो उल्टा हो जाता है, तब आप ये विचार नहीं करते कि क्या है, फिर आप ये विचार करते हैं कि करना जो है ही आपके लिए ऐसा है, फिर आप ये बेकार की चीज़ को छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं बिल्कुल। हाँ ये है तब स्थिर होते हैं। तो अभी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे हर चीज़ों का इसका उसका हर प्रकार की कंपनी का हर प्रकार की इसका और उसका तब तक आप समझोगे नहीं, अभी आपको खुद नहीं मालूम कि एक्चुअली व्हाट यू वांट, अभी तो आप सिर्फ देख रहे हो कि मैं चाहता क्या हूँ, अभी आपको मालूम नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, चाहते क्या हैं। अभी तो आप अलग अलग परसेप्शन से देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों उससे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये और ये और ये और ये और ये, अभी आपने एक एक फोकस नहीं हुए आप स्थिर नहीं हुए हैं। आई एग्री। हाँ तो जब हो जाएंगे फिर आपकी एनर्जी इधर से उधर जो है जाना बंद कर देगी,
तब आप स्थिर हो जाएंगे। जब हमारी एनर्जी इधर से उधर नहीं भाग रही ना इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तब हम स्थिर हैं, तब हम सेंटर में हैं। अभी हमारी एनर्जी चारों तरफ भाग रही है, यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ भी और वहाँ भी, ये भी करो वो भी करो, ऐसा भी करो वो भी करो। फिर जब हम जो है एक उस पर आ जाएंगे, नहीं भी हमको ये करना है, स्टडी एम हो जाएगा। हाँ स्टडी एम हो जाएगा, अभी तो एक्सपीरियंस चलता ही रहेगा ये, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो सिर्फ आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ, हो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना, हर चीज़ को करने का एक्सपीरियंस हो रहा है उसके, और हर चीज़ समझ में आ रही है आपको, उसके बाद में जा कर के आप फोकस हो पाएंगे कि नहीं यार दैट्स द बेस्ट, दिस इज़ द वे फॉर मी, ऐसा। हाँ उसके पहले नहीं आएगा, उसके एनर्जी ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। हाँ फोर्स नहीं कर सकते हैं आप, फोर्स करेंगे तो और आपको और फ्रस्ट्रेशन, हाँ फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन होता है इसलिए है कि यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट विलिंग टू, यू डोंट वांट टू डू एक्चुअली, एंड यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू डू दैट, ऐसा है जी। तो फ्रस्ट्रेशन ऐसे आ रहा है, मैं जॉब नहीं करना चाह रहा 8 से 5, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके बिना काम भी नहीं है, समझे ना। तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, छोड़ो तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, सब ये जो है वो कैसे होगा। तो वो करना चाह नहीं रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन नहीं है वहाँ पर, रिजेक्शन है, समझो। तो जहाँ अब जहाँ एक्सेप्शन हो जाएगा वहाँ आपको बड़ा जी लगने लगेगा, अब यार ये तो सब ठीक है जी, सब ठीक है, अब बढ़िया है, ऐसे है वैसे है। जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आपको मजा देने लगती है, देने लगती है। जिस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया आपने और वो आपको करना पड़ जाए तो वो बड़ी हैवी हो जाती है, अरे बहन जो क्या करना पड़ रहा है। समझे ना, आप अपने हिसाब से जाओ कि गंगा में मैं जंगल में घूमा हूँ, तो आप बुरा सेलिब्रेट करते हुए जाएंगे, मजे लेते हुए जाएंगे। और कोई आप बता दे चलो जाओ वहाँ से, तो आप जाएंगे जरूर वहाँ पे, लेकिन आप ना तो कोई सेलिब्रेट करेंगे ना कुछ करेंगे, मन में यार बहन तो कहाँ भेज दिया सारा ये दिखाना वैसा और वैसा, समझे ना। ये बात है, यहाँ हो जाता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो सेलिब्रेशन बन जाता है। वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, वो भूखे रहना ही हो, वो कुछ किसी का साथ ना होना हो, अकेला होना हो, वो भी बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता है। जहाँ रिजेक्शन है वहाँ पर जो है फिर परेशानी है, और जहाँ रिजेक्शन है बार बार वही चीज़ें आपके सामने फिर रिपीट होने लगती हैं, क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, तो जो भी आप देखोगे वही लगेगा यार ये तो मेरे पे फोर्स हो रही है, फोर्स हो रही है, एक भारीपन लगेगा, भारीपन लग जाएगा ऐसा। तो एक्सेप्शंस जो आ रहा है ठीक है, अब ये है ठीक है, दिस इज फॉर दिस मोमेंट, दिस इज राइट। बड़ा मुश्किल है लेकिन वही चीज़ ना। हाँ मुश्किल तो है ना, मुश्किल तो मुश्किल है, तभी ये लोगों में और मुझ में अंतर है ना। हाँ ये अंतर है साधु में और लोगों में, लोगों में। हाँ टू लिव इन द मोमेंट। हाँ लिव इन द मोमेंट, कि हाँ ठीक है ऐसा मोमेंट है अभी ऐसे रह लो, भूखे रहने का चलो रह लीजिए कोई बात नहीं ना, अपने अपना चल जाएगा। लेकिन लोगों के साथ में और भी चीज़ें हैं, उनकी और भी लायबिलिटीज हैं, आदमी भूखा रह जाएगा लेकिन फैमिली को नहीं रह सकता है, अपने लिए ऐसे है दूसरों के लिए नहीं कर सकता, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं इन सब चीज़ों से फ्री हूँ ना, मैंने अपने लाइफ को ऐसे क्रिएट किया हुआ कि इन सब चीज़ों से फ्री हूँ, तो मेरे लिए जो भी होता है वो एक सेलिब्रेशन बन जाता है। क्योंकि मैं बता रहा ना, हर आदमी के लिए सिचुएशन डिफरेंट होता है, अलग होती है। जो मेरे लिए सिचुएशन है वही दूसरे नागा बाबा के लिए नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। हाँ जो रूल आपके लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए नहीं, हाँ उनके लिए नहीं करेंगे ऐसा, ये लाइफ है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। नहीं, 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 हाँ, इसमें ये नहीं है कि ऐसे है, हाँ कि ब्लैक है या वाइट है या कलरफुल है या ऐसा या वैसा है ना, ये तो बाय द मोमेंट है। हाँ और सभी के लिए ऐसा नहीं होगा, हर आदमी को अपनी लाइफ अलग, उसकी लाइफ अलग है, आपको शुरू से रियलाइज हो गई ये वाली चीज। हाँ हर आदमी की लाइफ अलग है, उसको अपने 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 हिसाब से जीना है उसको, ठीक है ना। हाँ ऐसा है, अपने नियम है, अपने अपने नियम है, अपने कर्म है, अपने सिद्धांत हैं, जो भी हैं, जो करना है वो आपने अपने बनाए हुए हैं। तो जब आप अपनी लाइफ को जीते हैं जिसके लिए आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो आप सेलिब्रेट करते हैं, देन लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। और अगर जो है हमको फोर्स किया जाता है चीज़ें करने के लिए, करने के लिए, वो करने के लिए, तो लाइफ हेल हो जाती है, ठीक है ना। और आमतौर पे क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्शन नहीं है, और समाज में रह करके कंप्रोमाइज बहुत करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हम कंप्रोमाइज कर, हमको वो चीज़ें कंप्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस कॉम्प्रोमाइज, तो वो जो है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके
फाइट करते हैं उससे, अच्छा तो वह हैवी हो जाता है। तो हम अगर लोगों के साथ में कोऑपरेट करें, हार्मनी जिसको बोलते हैं, अगर हार्मनी हर चीज के साथ, हर बात वहीं हार्मनी के ऊपर में आ गई जहाँ से हम चले थे, कि ये लोग मेरे को जीने देते हैं आराम से, क्योंकि मैं इनको जीने देता हूँ आराम से, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ये आते हैं, मैं नमूना देखा थोड़ा मोड़ा दो चार मिनट के लिए और अपने साइड में, तो मैं उनको देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेट करूंगा तो बहुत सारी एनर्जी मैं उनको दे दूंगा और वो उनके लिए हैवी हो जाएगी। अपना माइंड करते हो, अपना माइंड करते हैं वो, हाँ बिल्कुल, उनका अपना सिस्टम है, मेरा अपना सिस्टम है, ठीक है ना, उनको अपनी चिंता है, मुझे अपनी चिंता है। जो है जैसे मेरे को, अगर मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे ये मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, तो दूसरी बात है मेरे कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे। आपके हिसाब से जानवर एनर्जी ज़्यादा अच्छी पड़ते हैं हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी, ये तो सिर्फ हम हैं जो प्रोग्राम्ड हो चुके हैं अलग अलग चीज़ों में, बचपन से हमको प्रोग्राम कर दिया गया, ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो, ऐसे खाओ, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये स्कूल करो, ये कॉलेज करो, ये जॉब करो, ये करो। हम सिर्फ एक दायरे में जी रहे हैं, वो नेचुरल जी रहे हैं, हम तो एक आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं आमतौर पर। लोग जो है दूसरों की बनाई हुई जिंदगी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनके बनाए हुए तौर तरीके हैं, माता पिता ने या ऑफिस ने या घर ने या टीचर ने या स्कूल ने, जो गवर्नमेंट ने, किसी भी चीज़ ने, जिसने बनाए हुए हैं। तो हमने अपनी नेचुरलिटी, अपने जो सेंसेस जो है, हमारे काम करना, हमारी सिर्फ आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, होंठ बोलते हैं, बाकी तो हमारे सेंसेस काम करते ही नहीं है। वो भी जो है हमको नहीं मालूम है कि क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं है। आजकल तो वो भी नहीं बचा मेरे ख्याल से, फोन के बाद तो। हाँ, ये अपने पूरे सेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, समझो एक चीज। हाँ, फर्क तो होगा ही ना। तो जो लोग इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर है उतना नेचुरल है, जो जितना ज़्यादा नेचुरल है उतना ही ज़्यादा आनंद में है। हाँ, जितने अननेचुरल होंगे, क्योंकि ये तो हमारा नेचर है, नेचर क्या, व्हाट द मीनिंग ऑफ नेचर, ऐसा है। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, ऐसा है। तो जो है इस करके जो है, जितना नेचुरल जी सके उतना, हाँ बेहतरीन है। हाँ, जितना नेचुरल जी सके विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम और दिस और, हाँ हमको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, ठीक है ना। हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते नहीं, हमारे पे हमारे सेंसेस वो काम नहीं करते उस लेवल पे। अच्छा, देसी लोग ज़्यादा दिक्कत करते हैं इन चीज़ों में, अंग्रेज तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं इन चीज़ों को, कि अपने चले गए, कैंपिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, थोड़ा बाहर प्रकृति में जाते रहते हैं। देसी आदमी तो बहुत कम जाता है। देसी आदमी नॉर्मली रहते हैं प्रकृति के अंदर में, है ना, किसान है, ये रहते हैं उसमें। नहीं, शहर वाले, उनको तो मतलब शहर वाले ट्रैप हो चुके बेचारे ना, दो पेड़ों के नाम नहीं पहचान पाते आजकल। अगर आप बोलोगे ये कौन से, उनके लिए सारे पीपल या बरगद के अलावा कुछ उनको समझ में नहीं आता। एक्चुअली मैं बताऊँ आपसे, मेरे लिए भी सारे पेड़ सिर्फ पेड़ ही हैं। अच्छा सही बता रहा मैं आपसे ये तो अपने नाम तो हमने दे दिए, नाम हमने दे दिए, काम तो वही करते हैं। सारा लफड़ा नाम और रूप का ही है। एक नाम रूप सुना है ना, एक बड़ा ना, कि नाम और रूप दोनों ही फेक हैं, दोनों ही गलत हैं। जो आम का पेड़ है जिसको मैं आम बोल रहा हूँ, उसको अंग्रेज लोग मैंगो बोलते हैं। तो वो सही कैसे हो सकता है? जहाँ आपने आइडेंटिटी दे दी तभी उसका खराब हो गया सारा हिसाब। जितना वो है गुमनाम, जितना वो उतना ठीक है। तो ये और वो आम का पेड़ जो उसका जो 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 उसका फॉर्म है, वो भी जो है फॉर एवर नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भी चेंज होता रहता है। ये साख टूट गई, ये ब्रांच टूट गई, दूसरी जड़ निकल गई, पत्ते गिर गए। और हम ड्राइंग करते हैं तो उसी टाइप से ड्राइंग करते हैं उसको, और वही नाम दे देते हैं उसको, समझ रहे हैं बात को। हमारे दिमाग में आएगा आम तो हमको एक एक पार्टिकुलर उसका फॉर्म नजर आएगा, भाई ये होता है, ठीक है ना। वो हम क्रिएट कर देते हैं कि भाई जो है, हम उसकी नेचुरलिटी को तो देखते ही नहीं, देखते नहीं, जबकि वो नेचुरली वो तो कई प्रकार से, कोई साख इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है, किसी पत्ते हैं, किसी पे नहीं, किसी पे सूखे, किसी पे कैसे हैं, कई प्रकार से है वो। लेकिन जब हमारे इमेजिनेशन होती है, हमारे को वो परफेक्ट एक इमेजिनेशन हमारे अंदर क्रिएट, हमारे दिमाग घर भी तो एक परफेक्ट, ऊपर से झरना बह रहा है, बस बस वो इमेज हमारे दिमाग में डाल दी गई है। अब हम उसी इमेज को देखने लगते हैं, जहाँ पर जो हमको इमेज उस टाइप से नहीं लगती है, वो हमको लगता है तो बेकार है, बेकार है। जबकि नेचुरल वो भी है, वो असली रियली नेचुरल तो वही है, ऐसा सच्चाई तो उसी में। हाँ, ये तो नेचर तो बाय द मोमेंट चेंज हो रही है ना, ऐसा है। तो हम जो उन चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, एक ही थ्योरी हमारे थ्योरी डाल दी गई है हमारे दिमाग में, उसी थ्योरी को हमने पकड़ा हुआ है। हमने कभी उस थ्योरी से आगे जाने की कोशिश नहीं करी है। हमने कभी अपने आप ने अपने सेंसेस को, अपने माइंड को यूज ही नहीं करा, हाँ, नहीं करा।
यूज ही नहीं करा सही इंस्टेंट है, हमको कुछ कुछ चाहिए, हमको मालूम करना भाई यहाँ रास्ता जो है तो जो है अभी आपने यहाँ आने के लिए आपने रास्ता मैप डाल दिया ये बात है। और वैसे आते तो आप चार लोगों से पूछते पूछ ला जी बाबा जी को डील जाना ये बात है, वैसे जानते हैं लोग पूछे तो हाँ पूछोगे तो जान बता देंगे सब सारे के सारे गाँव में। साल में एक बार भंडारा करता हूँ तो बुलाता हूँ गाँव। अच्छा अब आप दिल्ली कब आएंगे? दिल्ली दिल्ली अभी ये काम काम चल रहा है। अच्छा इसके बाद ही? हाँ दिल्ली इसके बाद ही आना, इसके बाद दिल्ली होगा मेरे घर आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और अगली बार मैं आता हूँ तो मैं एक दो दिन रुक जाता हूँ। हाँ बिल्कुल आओ, आपका वेलकम है बिल्कुल। हाँ जब मर्जी आओ, मैं बता रहा हूँ ना ये तो मैं ठीक है मैं रहता हूँ, इट्स नीडेड दैट डॉक्यूमेंटेशन आर बाय माय नेम, लेकिन ये तो सभी की है। सही हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ जो है सब, तो मेरे मेरे हाँ मेरे सब प्रेमी नेमी आते हैं, आओ खाओ पियो अपने आप बनाते हैं। आप अपनी तरफ से जो भी बोलना चाहें, कितने 10,000 कुछ लोग हैं सब्सक्राइबर्स को, अपनी तरफ से जो भी आप बोलना चाहें। मैं तो मेरा तो एक कोट है, लाइफ इज ब्यूटीफुल सेलिब्रेट इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव टू से। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग राजेश्वर जी, एंड आई विल लीव फ्रॉम हियर फॉर दिल्ली इन अबाउट 6-7 hours. We'll spend a few moments with him, and that's as much as the recording goes for the odd ramble segment. The rest of it would be more of a personal talk. All right, so I finished the shoot with Rajeshwarji about 30 minutes ago, and I'm back at Lakshman Jhula, enjoying the last few bits of shopping before I leave for Delhi at about 11. My buses. So it was a very pleasant experience, to say the least. Just enjoying the last few strolls before I head back. I hope you all enjoyed the little rambling session that I had with him. And yeah, I mean, I hope it cleared a few of your doubts about Nagas and some sense of some philosophy about life as well. So yeah, that was cool. And off to Delhi in a few hours now. Not really looking forward to it. ठीक है अपने शहर वापस तो जाना ही है। सो या चीयर्स। राइट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट ऋषिकेश इन विंटर्स इज दिस गाय एंड द बिस्किट्स दैट ही मेक्स. These delicious butter cookies. You can call him as well if ever you're in Rishikesh. कितने के बनाते हैं भैया? 50 के 10 पीस। 50 के 10 चॉकलेट वाले बनाने लगे अब आप? हाँ जी हाँ जी। सर्दियों का यही मजा है। ये आपका तंदूर लगा हुआ है छोटा सा, उधर आके देख लूँ? अरे ट्राई करके देख। चॉकलेट वाला लीजिए लीजिए। सर्दियों में आप आएँ भैया के पास ज़रूर आएँ, बेस्ट कुकीज़ और मज़ा इनका सर्दियों में ही है। फ्रेश फ्रेश आपके सामने भैया बना के निकालते हैं, वन द बेस्ट थिंग्स यू कैन एंजॉय इन ऋषिकेश। और का बैग है, हट जा मत कर, किसी और के बैग पे नहीं चढ़ते, किसी और के बैग पे नहीं चढ़ते। ये पानी
Alright, so my trip has officially concluded. I am at the Rishikesh bus stand waiting for my bus, which will be here in about 10-15 minutes. I'm back to my depressing city, Delhi. But the sooner I'm back, the better it is, since I'll be able to edit the damn footage and upload it. So yeah, I enjoyed the trip. It was a fairly good trip. I hope you enjoy the vlog just as much as I enjoyed my stay over here. For tonight, good night. See you the next time I'm on this odd ramble of mine. Bye-bye.